शहर की सरकार की सियासत से जुड़े खिलाड़ी अब फुर्सत के लम्हों को जी भर जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रेखा एरन के घर के बाहर। मेयर पद के लिए दावेदारी रेखा एरन की तरफ से डाली गई है। हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं। देखिए, हर तरफ जमावड़ा यहाँ पर समर्थकों का है। अपने अपने तरीके से आंकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनाव में किस तरीके की पोलिंग हुई है। तमाम जोड़ घटा करने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। समर्थक अपने अपने तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आंकड़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रेखा एरन का परिवार, और लंबे इंतजार के बाद फुर्सत के लम्हे इस पूरे परिवार को मिले हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से फुर्सत के इन लम्हों को वो एंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि बेहद मुश्किल ये सफर था, चुनाव का जो प्रचार था, बेहद आप कह सकते हैं कि थका देने वाली और चिंता देने वाली जो पूरी प्रक्रिया है वो झेलनी पड़ी। आज पूरा दिन किस तरीके से बिताया? आज पूरा दिन हमने बड़ी शांति से बिताया। लेट उठे थे, नहा धोकर अपना ब्रेकफास्ट करके आराम से एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। जैसे बेटा है, गुड़गांव से आया, तो 10 दिन बाद आज लगा कि हम इनसे मिले हैं। बेटी है, ये दीदी है, ननंद है मेरी, तो हम सब ये जीजी है। अब आराम से बैठ के बातें करें। 10 दिन तो हम आपस में मिले नहीं थे। थकान बहुत ज्यादा रही होगी? नहीं, थकान नहीं है मेरे को तो, अभी भी नहीं है और पहले भी नहीं थी थकान। थकान नहीं हुई मेरे को। दिन रात के प्रचार के बाद कहीं थका देने वाली जो एक एहसास है वो कहीं महसूस नहीं किया? नहीं, कहीं महसूस नहीं किया। अच्छा, मैं हनुमान जी से जानने की कोशिश करूंगा। हनुमान जी, चुनावी रण में जरूर रेखा थी, लेकिन लड़ाई लड़ने का काम तो आप कर रहे थे। कितना मुश्किल ये पूरा सफर लग रहा था और आज का दिन किस तरीके से बिता रहे हैं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं लग रहा था। चुनाव लड़ना हमारा कोई नया काम नहीं है, चुनाव लड़ते रहे, पीछे भी बहुत चुनाव लड़े हमने। रेखा पहले भी पार्षद थी, मैं नगर निगम का चेयरमैन रह चुका हूँ पहले, तो थकाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी बिल्कुल रिलैक्स होकर हमने चुनाव लड़ा। जनता का बड़ा बड़ा अच्छा खुल के सहयोग हमारे को मिला। रात को नींद ठीक से आ गई थी? हाँ, रात को बड़े प्यार से सोए, 10 दिन की नींद इकट्ठी हो रखी थी। कल बड़े कोंकण की नींद सोए। कल सुबह आराम से उठ के नहा धो के राम का नाम लेके नाश्ता नुश्ता करके परिवार के सभी सदस्य मिल रहे हैं। बच्चे बाहर से आए हुए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, उनसे कोई बात नहीं हुई थी, कब सब मर रहे हैं। अब 19 तारीख का इंतजार है, जीत का परचम लहरा के फिर लड्डू बांटेंगे और बस्तियां मारेंगे। फिर एकदम से इलेक्शन की घोषणा हो गई, उसके बाद तमाम समर्थक जो है वो जुटने शुरू हो गए, तमाम रिश्तेदारों को भी बुलाने का काम किया। तब तो लग रहा था कि सब कुछ एक साथ हो रहा है और कुछ भी संभालने की फुर्सत नहीं है। नहीं, सब एक टाइम कम मिला ना हमें, इसलिए तो जैसे सभी मेरे रिश्तेदार है, दोस्त है, आस पड़ोस के लोग है, जो हिसार के पूरे जनता है, उनका सहयोग मिला। धन्यवाद करती हूँ मैं जनता का, और बड़ी आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को इतना प्यार समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। तो वो टाइम इतना कम था कि हर वोटर से नहीं मिल सके, लेकिन जनता ने हमारा सहयोग किया। धन्यवाद करती हूँ, आभारी हूँ उनकी और हमेशा रहूंगी। चुनाव के दौरान ऐसी कोई घटना की जो आपको लगे कि मैं उसे याद नहीं करना चाहती, अच्छा हो कि वो लम्हे मेरे जहन से खत्म हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं कि जो मैं ये कहना चाहूँ कि याद नहीं रखना चाहती, कोई ऐसी घटना नहीं है। शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा और हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा। चलिए, आप मुझे बताइए कि आपको लगा कि आपकी मम्मी जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, तब लगा कि आपकी भी जरूरत पड़ सकती है, आप भी चलो? मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसे चांस मिला कैंपेनिंग करने का, और बहुत मजा आया क्योंकि मम्मी के लिए कर रही थी, तो बहुत मेहनत की, हर जगह डोर टू डोर गई। तो पर वो कहते हैं ना, फ्रूटफुली होगा रिजल्ट, 100% चांसेस है हम ही जीतेंगे, तो अच्छा लगा बहुत। राजनीति का कौन सा ऐसा पहलू कि आपको लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है? लोगों से जाकर मिलना, उनको कन्विंस करना हमेशा ही मुश्किल होता है, तो बहुत मुश्किल है सबको कन्विंस करना कि हमारे लिए वोट करें। पर सबने देखा है कि मम्मा बहुत काम किया है पिछले 5 साल में भी, और पापा ने भी हिसार के लिए इतना काम किया है, तो इसलिए आसान था, वरना ये मुश्किल ही है। चुनाव प्रचार के दौरान कहीं आपको ये लगा कि ये जो काम है ये तो बेहद दुश्वार है, राजनीति कोई आसान चीज नहीं है? राजनीति आसान चीज नहीं है, पर वही बात है, जब सबका सपोर्ट होता है तो सब आसान हो जाता है। अकेले कुछ भी करना बहुत मुश्किल है, पर सब इतना प्यार देते हैं तो सब आसान होता है। तो आपने क्या कुछ किया? मैंने सब कुछ किया। मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैं हर हर मोहल्ले में गई हूँ, एक एक इंसान से मिला, उनकी प्रॉब्लम सुनी, कुछ लोगों ने बहुत प्यार भी दिया, मम्मी के साथ जनसभाओं में भी की, तो सब कुछ किया, वोट भी दिया। तो
वोट भी दिया। ये जो वोट परसेंटेज है वो हिसार में काफी कम, और कहें कि पांचों नगर निगम में जो है एक अनएक्सपेक्टेड सी जो चीज है वो सामने आ रही थी कि शहरी इलाकों में कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूकता काफी ज्यादा है, बावजूद इसके जिस तरीके से लो वोटिंग ट्रेंड जो देखने को मिला, क्या कहेंगे? आई थिंक लोगों में इच्छा नहीं रही या तो वोट डालने की, लोग घर से बाहर निकल के वोट डालना नहीं चाहते, कई लोगों के वोट्स उनको लगता है कि संडे है घर पे बैठकर एंजॉय करें, तो इस वजह से भी लोगों में इंटरेस्ट कम है या तो पॉलिटिक्स में, इस वजह से वोटिंग कम हुई। चलिए आप मुझे ये बताइए कि आपको राजनीति में सबसे मुश्किल क्या लगा? लोगों को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब सबको एक साथ इकट्ठा करके और आगे इलेक्शन लड़ना इज डिफिकल्ट, बट लोगों का सपोर्ट मिला, हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत करी तो सब अच्छे से और इजीली हो गया। राजनीति का सबसे खूबसूरत पहलू आपको क्या लगता है कि राजनीति में ये जो बात है ये सबसे खूबसूरत? राजनीति में सबसे खूबसूरत बात है कि हम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और सोशलाइज बहुत ज्यादा होते हैं, जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं हो सकते जो हम राजनीति में रह के होते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आपने क्या कुछ किया और कौन सी चुनौतियां सामने थी? चुनाव प्रचार के दौरान डोर टू डोर गए, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एरिया जिससे जहाँ पे मैं हिसार में कभी गया नहीं था वहाँ मुझे जाने का मौका मिला, और मम्मी के साथ जनसभाओं में और पापा के साथ लोगों से फ़ोन पे बात करना, और डोर टू डोर वॉज द मेजर थिंग विच आई डिड। चलिए आप इधर आ जाइए। हनुमान जी मुझे एक बात और जरा समझा दीजिए कि राजनीति का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है और सबसे खराब बात क्या है? नहीं, अगर ये तो नजरिया है इंसान का अपना अपना, जैसे अभी अनुज बोल रहा था, एक सोशलाइज होने का सबसे बढ़िया तरीका राजनीति है, समाज सेवा का माध्यम है राजनीति। राजनीति अगर ढंग से की जाए तो आप अपने अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने शहर के लिए आप राजनीति के माध्यम से सब कुछ कर सकते हो, इसलिए राजनीति अच्छी चीज है। और खराब पहलू ये है, चुनाव के दौरान भाईचारा कई बार खराब होने के चांसेस होते हैं, वो खराब पहलू है। हमारा मेरे और मेरे परिवार की एक सोच है, हार जीत कुछ भी हो भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, आपसदारी खराब नहीं होनी चाहिए। हम इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, मैंने चुनाव कई बार लड़े हैं लेकिन हमने आपस में कभी भाईचारा खराब होने की कोशिश नहीं करी। अगर सामने वाला बदतमीजी भी करता है तो हाथ जोड़ के निकल जाते हैं उसके आगे से, हमारी कोशिश ही रहती है कि भाईचारा कायम रहना चाहिए, भाईचारा बड़ी बड़ी चीज है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि समर्थकों की भीड़ लगातार आपको घेरे रह रही है, थोड़ी थोड़ी देर में कोई फोन कॉल आ रहा है और आंकड़ों पर बात हो रही है। आंकड़े लगा रहे हैं सभी साथी लगे हुए हैं सुबह से, कल रात को भी 1 बजे तक लगे हुए थे, तो कोई कह रहा है 10,000 से जीतेंगे, कोई कह रहा है 15,000 से जीतेंगे, कोई कह रहा है 5,000 से जीतेंगे, तो ये तो काम है समर्थकों का, साथियों का, और 19 तारीख तक चुप नहीं बैठेंगे ये, 19 तारीख तक ये चलता रहेगा, आंकड़े लगा रहे हैं और ये चलता रहेगा। ठीक है, जीत निश्चित है, जनता ने बड़ा प्यार सहयोग दिया, सारी जिंदगी जनता के आभारी रहेंगे, हिसार की जनता का, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने हमारा सहयोग किया, उनका भी धन्यवाद आभार करता हूं मैं, सभी साथियों का, सभी परिवार के लोगों का, परिवार सभी दोस्तों का, सबने दिन रात एक करके। 16 तारीख को वोटिंग हुई, 2 दिन का बीच में इंतजार, ये इंतजार जरा मुश्किल है। हाँ, ये सही बात आपकी, क्योंकि 19 तारीख तक कुछ नहीं कर सकेंगे, अब बैठे कब से मार रहे हैं, लाइन लगी हुई है, दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, वर्करों ने जिन्होंने काम किया है, कोई अपने वार्ड का आंकड़ा देख जा रहा है, कोई अपने बूथ का देख जा रहा है, सभी से मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया टाइम पास हो जाएगा, 2 दिन कोई खास बात नहीं है। चलिए, इंतजार के लम्हे भी खत्म हो जाएंगे, इंतजार जो है वो खत्म कब होगा इसका इंतजार समर्थकों को भी है और उम्मीदवार को भी है, परिवार के साथ मिल बैठने का मौका मिला है और कोशिश ये कर रहे हैं कि इन लम्हों को किस तरीके से अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए यादगार वो बना लें, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा की गई है परिवार के बच्चों की तरफ से, तमाम रिश्तेदारों की वजह की तरफ से, उसके साथ ही दोस्तों की तरफ से, समर्थकों की तरफ से, पार्टी का शुक्रिया वो कर रहे हैं, तमाम नेताओं का शुक्रिया वो कर रहे हैं। अब अगर इंतजार है तो 19 दिसंबर की तारीख का, क्योंकि उसके बाद इनकी मेहनत का जो परिणाम है वो सबके सामने आ जाएगा। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।